हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं और ये दो कंप्लीट सेंटेंस को जॉइन करते हैं। मैं अगर कह रही हूँ कंप्लीट सेंटेंस, इसका मतलब कोई भी सेंटेंस सेंटेंस तभी होता है या कोई भी सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस तभी बनाता है जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, ट्रू वर्ब हो और अदर वर्ड्स हो। कहने का मतलब है सेंटेंस आपका सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब उसमें ट्रू वर्ब हो। ट्रू वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा गो, यू नो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस क्योंकि इसमें ट्रू वर्ब है। चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो, अदर वर्ड्स हो या ना हो, अगर ट्रू वर्ब है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, तो सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसमें ट्रू वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंजंक्ट क्या करता है? कंजंक्ट जॉइन करता है एक कंप्लीट और एक इनकंप्लीट, सॉरी कंजंक्ट जॉइन करता है एक कंप्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को। कंजंक्ट एक कंप्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को जॉइन करता है। इसका मतलब जो कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स है वो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जॉइन करता है। यहाँ पर आप देखिए दैट कंजंक्शन है, तो ये एक सेंटेंस ही सेड और ही हैड गॉन फॉर अ मूवी को जॉइन कर रहा है। ही सेड एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें सेड एक ट्रू वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। ट्रू वर्ब, आई होप यू रिमेम्बर, ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब है जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में आप ट्रू वर्ब से ही सब्जेक्ट का नंबर आइडेंटिफाई कर, सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ट्रू वर्ब से ही सब्जेक्ट का टाइम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ब है तो आप ये वाला वर्ब जो होगा वो ट्रू वर्ब होगा और इसी से आप सब्जेक्ट का टाइम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब को एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट और ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसको कौन ज्वाइन कर रहा है? कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है। स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन भी ज्वाइन करने का काम करता है, मगर प्रेपोजिशन एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपका ट्रू वर्ब नहीं होगा। अब आप देखिए आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? ये एक सेंटेंस और एक ये सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें टेकिंग जो है वो ट्रू वर्ब नहीं है। टेकिंग V4 है और V4 कभी भी आपका ट्रू वर्ब नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ना तो उसका टाइम होता है ना तो उसका नंबर होता है। और ही स्टडीड में ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें ये वाला V2 है और जो ट्रू वर्ब है और जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के टाइम और नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन जो है क्या कर रहा है? एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को जॉइन कर रहा है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपल का भी काम है जॉइन करना, मगर वो क्या करता है? वो भी एक कंप्लीट और वो भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को जॉइन करता है। अब आप देखिए इसमें पार्टिसिपल, आपको इफ यू रिमेम्बर पार्टिसिपल हमारे पास तीन है। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स को देखिए। पार्टिसिपल हमारे पास V4 है, एक पार्टिसिपल हमारे पास हैविंग प्लस V3 है और एक पार्टिसिपल हमारे पास बीइंग है। ये तीनों पार्टिसिपल जॉइन करने का काम करता है एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को और एक कंप्लीट सेंटेंस को। तो आप देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये आपका एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है और ही वेंट फॉर अ वॉक, ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो पार्टिसिपल क्या कर रहा है? एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को जॉइन कर रहा है। स्टूडेंट्स अगर आपने कंजंक्शन देख लिया, अगर आपने किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन को देखा कि वो एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट को सेंटेंस को जॉइन कर रहा है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो वो
सेंटेंस में एरर है, वो गलत है। अब आप देखिए यहाँ पर एक दैट कंजंक्शन है। अब दैट कंजंक्शन कौन कौन से सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है? Having, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। Having known that the area was prone to earthquake, all the buildings were reinforced with additional steel and concrete. Students, यहाँ पर हमारे पास तीन सेंटेंसेस हैं। That है, having known the area was prone to earthquake, और all the buildings were, यानी एक having known, एक the area was prone to earthquake, all the buildings were reinforced with additional steel and concrete. ठीक है, तो एक ये रहा, एक ये रहा सेंटेंस और एक ये रहा। ये वाले सेंटेंस में हमारे पास ट्रू वर्ब है वाज, ये वाले सेंटेंस में हमारे पास ट्रू वर्ब है वर, और ये वाले सेंटेंस में कोई ट्रू वर्ब है हैविंग नोन में? नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। कौन ज्वाइन कर रहा है? दैट ज्वाइन कर रहा है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स आपने कंजंक्शन को एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करते हुए देखा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक कंजंक्शन जो है वो हिडन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने प्रेपोजिशन को या पार्टिसिपल को दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हुए देख लिया तो एरर होगा। आप ये सेंटेंस को पढ़िए, डिस्पाइट दैट ही इज बैड एवरीबडी लाइक्स हिम। अब यहाँ पर डिस्पाइट स्टूडेंट्स क्या है? प्रेपोजिशन है, हम आगे पढ़ेंगे। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, प्रेपोजिशन होता है। अब ये प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? ये कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि दैट, मैम दैट कंजंक्शन है जो ही इज दैट और एवरीबडी लाइक्स हिम को ज्वाइन कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ऐसे भी गलत है। अगर आपको लग रहा है कि दैट कंजंक्शन ही इज दैट और एवरीबडी लाइक्स हिम को ज्वाइन कर रहा है तो भी गलत है। इससे गलत है क्योंकि ये कंजंक्शन का यूसेज यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सही यूसेज कौन से कंजंक्शन का होगा? ही इज बैड बट एवरीबडी लाइक्स हिम, ही इज बैड येट एवरीबडी लाइक्स हिम, ऑल्दो ही इज बैड एवरीबडी लाइक्स हिम, तो दैट का यूसेज भी गलत है, ठीक है। और जानबूझ के डिस्पाइट के साथ दैट लगा देते हैं क्वेश्चन सेटर्स ताकि आपको एरर नहीं दिखाई दे। साफ पता चल रहा है, आप सिर्फ डिस्पाइट को देखो, ये प्रेपोजिशन है जो एक कंप्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। ये वाला ट्रू वर्ब है और ये वाला ट्रू वर्ब है, सो वी हैव गॉट कंप्लीट सेंटेंस। तो डिस्पाइट दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है जो गलत है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर डिस्पाइट दैट की जगह ऑल्दो हो सकता है। ऑल्दो ही इज बैड एवरीबडी लाइक्स हिम, ऑल्दो इज अ कंजंक्शन जो दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें स्टूडेंट्स। मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ कंजंक्ट, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही कंजंक्ट के, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे पास बहुत सारे कंजंक्ट है और कंजंक्ट चैप्टर में क्या प्रॉब्लम होगी कि एक ही कंजंक्ट के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस को पढ़िए, एज ही इज इल ही विल नॉट गो टू स्कूल, कीप द थिंग्स एज दे आर, ही फेल एज ही वॉज रनिंग, तीनों में आप देख रहे हो एज यूज हुआ है। यहाँ पर एज का मतलब क्या हुआ? बिकॉज, बिकॉज ही इज इल ही विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर एज का मतलब होता है लाइक, कीप द थिंग्स एज दे आर, लाइक दे आर मतलब कहने का मतलब जैसा है वैसा रख दो। He fell as he was running. तो यहाँ पर as का मतलब while है, दौरान, run करने के दौरान वह गिर गया। तो आप देख रहे हैं students कि एक ही conjunct के कई meaning होते हैं। आपकी reading habit अगर बहुत अच्छी है तो you can figure out, you can make out the meaning of the conjunct. ठीक है, ये वाली problem होगी तो आप ध्यान रखना, ठीक है। Next, question setters कंजंक्शन के टॉपिक में तीन तरीके का एरर पूछते हैं। पहला एरर है पेयर एरर, दूसरा एरर है पार्ट्स ऑफ स्पीच एरर, और तीसरा एरर है यूसेज ऑफ कंजंक्ट एरर, ठीक है। तो हम तीनों को हम इंडिविजुअली हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर एरर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे पेयर एरर।